आईपीएल के बाद भी क्रिकेट फैंस नहीं होंगे बोर। टीम इंडिया का क्रिकेट है हाउसफुल। जानिए भारतीय टीम की किनसे होगी भिड़ंत। अभी आईपीएल 15 चल रहा है, क्रिकेट फैंस को इस आईपीएल पूरा मजा आ रहा है क्योंकि हर मैच इतने रोमांचक जो हो रहे हैं। ऐसे में अब हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर आईपीएल खत्म हो जाएगा तो वो बोर हो जाएंगे। तो बता दें आपको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम को अब आईपीएल के बाद लगातार क्रिकेट खेलना है, जिससे फैंस का पूरा मनोरंजन होने वाला है। आपको बताते हैं कि आखिर आईपीएल बाद टीम इंडिया किससे, कहां और कब मैच खेलने वाली है। पावर पैक है टीम इंडिया का क्रिकेट। आईपीएल बाद टीम इंडिया को अपने ही घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। उसके बाद भारतीय टीम को आयरलैंड और फिर इंग्लैंड दौरे पर भी जाना है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपको पूरा स्केड्यूल बताते हैं कि आखिर टीम इंडिया को कब, कहां और किसके खिलाफ सीरीज खेलनी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 का शेड्यूल। टीम इंडिया को अपने घर में 9 जून को चेन्नई में, 12 जून को बेंगलुरु में, 14 जून को नागपुर में, 17 जून को राजकोट में और 19 जून को दिल्ली में 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके बाद टीम इंडिया आयरलैंड के लिए रवाना हो जाएगी, जहां पर आयरलैंड के खिलाफ उन्हें 26 जून को डबलिन में और 28 जून को फिर डबलिन में 2 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। आयरलैंड के बाद टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा शुरू होगा, जहां टीम इंडिया को 1 से 5 जुलाई तक टेस्ट मैच खेलना है। वो टेस्ट मैच होगा जो पिछले साल 5 मैचों की सीरीज के दौरान आखिरी मैच पोस्टपोन्ड हो गया था। और भारतीय टीम के लिए ये टेस्ट मैच काफी अहम होगा, क्योंकि टीम इंडिया इस मैच को जीत के साथ ही 2007 के बाद से इंग्लैंड में सीरीज जीतना चाहेगी। इसके बाद टीम इंडिया को 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है, जो 7 जुलाई को साउथहैम्पटन, 9 जुलाई को बर्मिंघम, 10 जुलाई को नॉटिंघम में खेली जाएगी। इसके बाद भारत को 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेलनी है, जिसका पहला मैच 12 जुलाई को द ओवल, 14 जुलाई को लॉर्ड्स और 17 जुलाई को मैनचेस्टर में होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने के बाद टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी, जहां पर वो 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस साल एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप का भी होगा आयोजन। भारतीय टीम को इन सीरीज के बाद एशिया कप भी खेलना है, इसके बाद टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। एशिया कप में सही मायनों में भारत की T20 वर्ल्ड कप के लिए असली तैयारी होगी। आप भारत के शेड्यूल में देख सकते हैं कि भारत इंग्लैंड हो या आयरलैंड या फिर साउथ अफ्रीका, हर किसी के सामने T20 सीरीज खेल रही है। उसके बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी T20 सीरीज खेलेगी। कुल मिलाकर भारत वर्ल्ड कप से पहले अपनी सभी तैयारियां पूरी करना चाहता है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान जैसी टीम के सामने भी टकराएगा, जिससे T20 वर्ल्ड कप से उनकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ऐसे में जब T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी, तो वहां वो पूरी तरीके से तैयार होकर जाना चाहेगी। इसलिए ये सीरीज काफी अहम है। तो एक तरफ जहां फैंस का मनोरंजन होगा, दूसरी तरफ भारत की तैयारियां भी मजबूत होती जाएगी। और T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को हर मायने में मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आईपीएल के बाद टीम इंडिया का शेड्यूल फुल पावर पैक है और भारतीय टीम को लगातार कई बड़े मुकाबले खेलने हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस साल इन टीमों के खिलाफ सीरीज खेलकर अपनी तैयारियां मजबूत करेगी और T20 वर्ल्ड कप जीतने की बड़ी दावेदार बनेगी? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।